Hello student, this is class 8 and now we are continue our chapter number 10 which is taken from English and the name is 3-8 table. So students, यहाँ पर हम लोग ने अपने previous video में देखा था कि किस तरीके से जो peoples हैं, मतलब कि यहाँ पे group discussion शुरू था लोगों के बीच में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग एक table में बैठे हुए हैं, coffee table में, और लोग discuss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा worn out subject, मतलब कि worn out subject मतलब कि ऐसा topic जिसके बारे में इनको discuss नहीं करना चाहिए था. ऐसे topic आप बोल सकते हो जिसमें वो लोग ghost वगैरह की बातें अपारेशन की बातें कर रहे थे वहाँ पे. ओके, तो अब हम लोग उसके आगे की स्टोरी देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो जो नरेटर था वो एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गया था और वहाँ से वो किस तरीके से बाहर निकलता है. तो देखते हैं हम लोग उसके आगे की स्टोरी. स्टूडेंट, इफ़ यू डिडेंट वॉच द फर्स्ट वीडियो, सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, हैंस यू विल ज्वाइन दिस वीडियो. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो वॉट डू यू वॉन्ट, आगे की स्टोरी में अब देखते हैं कि वो जो ओल्ड लेडी है वो वहाँ पे वो जाता है और वो उसको दरवाजे को जब खटखटाता है तो वो बोलती है वॉट यू वॉन्ट. ओके, अब आप क्या चाहते हैं. शी डिमांडेड ग्रफली, उसने बहुत ही ग्रफली मतलब कि एक रफ आवाज में बोला, आई हैव लॉस्ट माई वे, आई सेड सिविली आई वॉन्ट टू गेट एशविली, तो मुझे एशविले जाना है, मैंने अपना रास्ता जो है वो भटक गया है, ऐसा मैंने बहुत पीसफुली, शेले मतलब कि पीसफुली मैंने बोला, पोलाइटली बोला. सो डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वुमैन, शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर व्हेन एन ओल्ड मैन ऑफ ग्रेट हाइट इमर्स्ड फ्रॉम अ रूम एंड केम टूवर्ड अस. तो जब उसने इतना बोल के वो मतलब दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि वहाँ से उसके पीछे से एक जो ओल्ड मैन है, आदमी है, वो वहाँ से आता है और फ्रॉम अ रूम केम टूवर्ड्स, और वो दरवाजे की तरफ में आगे आता है. एश्वली इज 15 माइल्स डिस्टेंस, ही सेड स्लोली, तो वो जो आदमी है वो बोलता है जो एश्वली है यहाँ से 15 माइल्स दूर है. ओके, धीरे से उसने बोला. सो इफ़ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क्ड. तो क्या आप, मतलब ये जो नरेटर है वो बोलता है कि क्या आप मुझे एक यहाँ से जस्ट नियरेस्ट विलेज का के बारे में बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कितना दूर है. अगर आपने मुझे ऐसा बता दिया तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, आई रिमार्क्ड. ओके, सो ही मेड नो रिप्लाई बट एक्सचेंज अ क्विक क्यूरियस ग्लैंस विद द वुमेन्स, शी मेड अ गेस्टर ऑफ डिसएग्रीमेंट. तो ही मेड नो रिप्लाई, अब वो रिप्लाई नहीं करता है और इतना बोलते हुए वो जो ये ओल्ड लेडी है उसको देखता है, वो बूढ़ा पर्सन, और मतलब कि वो दोनों शायद उसको बताना नहीं चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो द नियरेस्ट प्लेस इज 3 miles ऑफ, ही सेट टर्निंग टू मी, अब वो बोलता है कि ये जो नियरेस्ट प्लेस है ना वो भी 3 miles दूर है यहाँ से. इफ़ यू विल गिव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आई विल मेक यू एज कम्फर्टेबल एज आई कैन. तो वो बोलता है कि अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको उतना ही कम्फर्टेबल फील करवाएंगे जितना कम्फर्टेबल आप वहाँ पर फील करना चाहते हो. ओके, सो आई हेजिटेटेड, इतना सुन के मैं जो मतलब जो नरेटर है वो हेजिटेट हो जाता है. दे वॉज सर्टेनली अ क्विकर लुकिंग कपल एंड द ग्लूमी हॉल with the shadows thrown by the candle looked hardly more inviting than the darkness outside. तो वो बोलता है इतना सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाता हूँ, hesitate, घबरा जाता हूँ, लेकिन बाहर का जो अंधेरा था वो कपल भी एक दूसरे को मतलब कि मुझे क्विकर लुकिंग मतलब कि देखने लगते हैं. ग्लूमी हॉल, और उन लोगों का जो ग्लूमी हॉल था मतलब कि जो कैंडल अंदर में जो जल रही थी उसके वजह से जो हॉल था वो क्या था, एक रोशनदार लग रहा था और बाहर में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अंदर चले ही जाना चाहिए. सो यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड, बट तो वो मतलब जो नरेटर है, ये जो पर्सन है यहाँ, ये बड़बड़ाता है कि आप लोग बहुत दयालु हैं, आप लोग बहुत काइंड हैं, ऐसा बोलते हुए. सो कम, बस इतना वो बोलता है. सो कम इन, ही सेट क्विक एंड शेयर डोर एंड नहीं, तो अब वो जो बूढ़ा पर्सन है वो क्या बोलता है, ठीक है आइए अंदर आ जाइए, जल्दी से अंदर आ जाइए और डोर को बंद कर लीजिए. ऑलमोस्ट बिफोर आई नो इट आई वॉज स्टैंडिंग इनसाइड एंड द ओल्ड वुमेन मटरिंग टू हर सेल्फ हैड क्लोज द डोर बिहाइंड मी. तो इतना बोल के जब वो अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मतलब अंदर में पहुंच चुका हूँ, मतलब हॉल के अंदर में एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है वो भी थोड़ा सा मटरिंग कर रही है, बड़बड़ा रही है खुद में, और कब उसने मेरे पीछे से आके जो दरवाज़ा है हॉल का वो भी बंद कर दिया है ना. विथ अ क्विकर सेंशन, क्विकर सेंशन मतलब कि स्ट्रेंज फीलिंग, अब मुझे जो विथ द क्विकर क्विर सेंशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड आई फॉलोड माय होस्ट इनटू द रूम एंड टेकिंग द प्रॉफर्ड चेयर वार्म्ड माय फ्रोजन फिंगर एट द फायर.
तो भाई अभी कोई कर नहीं, मतलब कि वो सोचता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा जो अजीब से जो सिचुएशन है, अजीब से जो जाल है, इसमें अब क्या हूँ, अब ट्रैप हो चुका हूँ, फंस चुका हूँ, मेरी जो फिंगर है मतलब ठंड के मारे वो भी जम चुकी है, फ्रोजन फिंगर, अब उसको मतलब कि हाथ, मतलब अब वो दोनों हाथ को अपना रब करता है और उसे गर्म करता है फायर के बीच में। सो डिनर विल सून बी रेडी, सेड द ओल्ड वुमन। तो अब ये जो ओल्ड मैन, सॉरी ओल्ड मैन, तो ये जो ओल्ड मैन है, अब वो नरेटर है उसको बोलता है कि जो डिनर है वो भी जल्दी ही रेडी हो जाएगा। आई बोर्ड एंड ही लेफ्ट द रूम। आई बोर्ड मतलब कि मैंने इतना सुन के अपना सर झुकाया और उन्होंने मेरा जो रूम है उसको छोड़ दिया। अ मिनट मतलब उन्होंने उसको एक रूम दिया था, तो इतना बोल के जैसे ही उसने उसको थैंक यू किया तो वो जो ओल्ड मैन है वो वहाँ से चला गया। अ मिनट आफ्टर वर्ड आई हियर्ड वॉइस हिज द ओल्ड वुमन्स एंड आई फैंसीड अ थर्ड बिफोर आई हैड फिनिश्ड I had finished my inspection of the room. He returned and regarded me with the same strange look I had noticed before. तो अब वो बोलता है कि जैसे ही मैं वो रूम, मतलब कि रूम इंस्पेक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स, भ्रमण करना, जैसे ही मैंने ये देखा, जैसे ही वो पर्सन उस रूम को छोड़ के गया, तो मैंने ये सुना कि कोई और थर्ड पर्सन भी है जिसकी मुझे आवाज़ यहाँ पर आ रही है। बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई इंस्पेक्शन ऑफ द रूम, जैसे ही मैं अपने रूम का भ्रमण खत्म करता वहाँ से, एंड रूम He returned and regarded me with the same strange look I had noticed before. तो मैंने देखा कि वही जो स्ट्रेंज पर्सन है वो मेरे सामने में आके खड़ा हो गया है और मुझे बहुत ही स्ट्रेंजफुली देख रहा है, फिर से अचानक से देख रहा है जैसे वो पहले मुझे देख रहे थे। सो देयर विल बी द थ्री ऑफ अस एट डिनर, और वो मुझे बोल रहे हैं, ही सेड, उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग तीन लोग होंगे डिनर में, वी टू मतलब कि मैं और मेरी वाइफ एंड माई सन और मेरा बेटा। आई सपोज यू डोंट माइंड डाइनिंग इन द डार्क, ही सेड appropriately. Appropriately मतलब होता है माइंड ना करना, ओके तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे अगर जो डाइनिंग टेबल है वो अंधेरे में हम लोग खाना आपको खिलाए तो, है ना। सो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा माइंड नहीं करोगे। नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड, हाइडिंग माई सरप्राइज एज वेल एज आई कुड, बट रियली आई एम अफ्रेड आई एम इंट्रूडिंग इफ यू विल अलाउ मी। इंट्रूडिंग मतलब होता है स्टूडेंट्स पुट वन सेल्फ डिलिबरेटली इन टू अ प्लेस और अ सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम। देखिए तो अब यहाँ पर ये जब इस तरीके से बोलता है ना कि अगर मैं डाइनिंग टेबल में अंधेरा रुकूँ तो आपको मतलब कि ऐसा कुछ डर तो नहीं लगेगा, तो ये अपने जो नरेक्टर रहता है वो अपने सरप्राइज को, मतलब कि ऐसा कौन खाना खिलाता है अंधेरे में, ऐसा इस टाइप के जो सरप्राइज होता है उसको छुपाते हुए बोलता है, नहीं 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 मैं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और वो इस टाइप की सिचुएशन को उसको वेलकम करता है। ओके सो ही वेव्ड हिज ह्यूज गॉन्ट हैंड्स एंड जायंट हैंड, मतलब होता है बोनी, मतलब कि वो बूढ़े हुए हैं, दोनों बूढ़े हैं, है ना, ओल्ड पर्सन है, तो उनके मतलब हड्डियों वाले हाथ, जैसे कि मतलब बूढ़े लोगों की जैसे हड्डी नजर आने लगती है, स्किन जो है वो एकदम लूज हो जाती है, तो वो वाले हैंड को वो हिलाता है। It's Salmon, we have company and now we have got, you will keep you, my son's eyes are bad and he can't stand the light, here is any. तो अब वो बोलता है अपने वो जो हड्डियों वाले हाथ है, मतलब कि जो झुरे हुए से हाथ है, उसको हिलाते हुए बोलता है, इट्स सालमन वी हैव कंपनी, मतलब कि मुझे बहुत खुशी होंगी कि आपकी जो कंपनी है हमें मिलेंगी, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, एंड यू विल कीप यू माय सन आइज, और वो साथ में ये भी बताता है कि क्यों डाइनिंग टेबल में अंधेरा रखने का रीज़न है, क्योंकि जो मेरे बेटा है उसकी जो आँखें हैं वो किसी कारण से ख़राब हो गई है, ही कांट स्टैंड द लाइट, और वो उजाले में बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह सकता। इतना बोल के वो बोलता है, ओह हियर इज एने, मतलब कि शायद उसकी जो वाइफ है वो आ गई है। स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर, आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट, ओके सो सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।